सर कई जगह पर पुलिस भी इस धंधे में शामिल है। तो खुद ही बोलते हैं कि भाई पैसा छाप ये ज्यादातर तो सही हो गए लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता गलत होती है, उस पर तो नजर रखना है। हर क्षेत्र में इस तरह की लोग लेकिन पूरे तौर पर लेकिन मुझको पूरा भरोसा है कि यहाँ के अधिकांश लोगों के मन में ये बात है शराब बुरी चीज है और इससे दूर रहना चाहिए है, लेकिन कुछ लोग इधर उधर करते रहते हैं तो उसके ऊपर तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार आज जब सदन से बाहर निकलकर कोरोना का टीका लगवाने आईजीएमएस जा रहे थे तब पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर से शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मैंने तमाम पुलिस कर्मियों को ये निर्देश दे दिया है कि शराब का जो अवैध कारोबार हो रहा है उस पर जल्द से जल्द जो रोकथाम है वो लगाया जाए और लोगों के बीच जागरूकता है वो भी फैलाया जाए और निचले स्तर के जो पुलिसकर्मी हैं उन लोगों को भी सख्त से सख्त निर्देश है जो वो नीतीश कुमार ने दिया है कि शराबबंदी कानून को जल्द से जल्द जो है वो बिहार में सफल बनाया जाए। कुछ लोग जो हैं वो गड़बड़ी करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और पुलिसकर्मियों के ऊपर भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, वैसे पुलिसकर्मियों को भी जो है चिन्हित किया जाएगा और उन पर सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से शराबबंदी कानून को लेकर बयान दिया है। वहीं जब वो कोरोना वैक्सीन को लेकर जब आईजीएमएस जा रहे थे वैक्सीन लगवाने, आज उनका 70वां जन्मदिन भी है, उसी अवसर पे वो आज टीका लगवा रहे हैं, तो कोरोना वैक्सीन को भी लेकर उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि ये भारत के प्रधानमंत्री ने भी लगवाया है, कोरोना टीका से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। मैं आम लोगों को भी ये अपील करूँगा कि आप भी कोरोना का टीका लें, इससे कोई भी जो नुकसान है वो नहीं होगा। तो आइए सुनते हैं और भी क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार। निरंतर करते ही रहते हैं, हमने उन लोगों को कहा कि आप अपने स्तर से और नीचे के स्तर से एक एक चीज देखिए, अगर कहीं कोई बेचता है और कोई ग्रहण कर रहा है तो इसको पता लगाना कहाँ से असंभव है, पता लगाइए और इस पर सख्त कार्रवाई करिए और लोगों को प्रेरित करिए, जब होगा तभी लोगों को ये लगेगा, इसलिए इस पर लोग लगे हुए हैं और अनेक जगहों पर उन चीजों के बारे में पता कर रहे हैं। तो इधर इस बार आप देखिएगा कि पूरे तौर पर जो यहाँ के हैं या यहाँ के बाहर के हैं सबको आइडेंटिफाई करना, उनके ऊपर कार्रवाई करना, ये सब काम। लेकिन सर कई जगह पर पुलिस भी इस धंधे में शामिल है। तो खुद ही बोलते हैं कि भाई पैसा स्वभाव ये ज्यादातर तो सही हो गए लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता गलत होती है, उस पर तो नजर रखना है। हर क्षेत्र में इस तरह की लोग लेकिन पूरे तौर पर लेकिन मुझको पूरा भरोसा है कि यहाँ के अधिकांश लोगों के मन में ये बात है शराब बुरी चीज है और इससे दूर रहना चाहिए है, लेकिन कुछ लोग इधर उधर करते रहते हैं तो उसके ऊपर तो इसको पूरे तौर पर इसको लेकर के लोगों के बीच में निरंतर अभियान और दूसरी बात है कि वो इधर उधर गड़बड़ करते हैं उनके ऊपर वैक्सीनेशन के लिए जाएगा या ये वहीं से शुरुआत होगी हमारी वैक्सीन। कांग्रेस के लोगों को भी विश्वास हो गया सर आपके वैक्सीनेशन लेने पर, वो भी कह रहे हैं कि हम भी अब लेंगे। सबको लेना चाहिए, जो बात केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, पहले तो 50 साल से ऊपर वाला, अब किया 60 साल से ऊपर वाला, तो उनको तो तत्काल लेना ही चाहिए और जो अलग बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे उनके लिए भी। तो ये काम तो हम लोगों के कल हमने पूरी बैठक की और ये शुरू हुआ और मेरा ही ये च्वाइस था कि भाई हम IGIMS में ही ये शुरू करें, तो वहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं और सब लोग जो करने, और उसके अलावा हम तो करेंगे कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उन सब लोगों को भी, क्योंकि उनको भी बहुत जगह घूमना पड़ता है, तो हम ये बात कर रहे हैं और हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा है कि इसके लिए उनके लिए भी इंतजाम करके और लोगों के टीकाकरण के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।